एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो गाइस आप सब? आई होप अच्छे होंगे। अभी सुबह के बज रहे हैं 10:10 बजने में 10 मिनट बाकी है। आदमी किसे चिल्ला रहे हो पापा, नहाने जा रहे हैं। और अब बस हमारा चाय नाश्ता सब कुछ हो चुका है, हम रेडी हो रहे हैं जाने के लिए फंक्शन में। तो आज है इंगेजमेंट, और इंगेजमेंट कहाँ है वो सब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ पहले ही। मे भी मैं लास्ट में मतलब ज़्यादा बोल ना पाऊँ या फिर वॉइस ओवर ही रहेगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो इंगेजमेंट है वो है मेरे मामा ससुर की बेटी की, मतलब मेरी मम्मी का सासू माँ की भतीजी का एंगेजमेंट है। तो हम वहाँ पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे सब लोग मतलब सासू माँ के मायके की फैमिली वाले आने वाले हैं। हम आपको उन लोग से भी मिलाएंगे, तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगेगा। और ये अब तक का हमारा स्पेशल ब्लॉग मतलब अलग होगा, क्योंकि अभी तक वो लोग मेरे इस ब्लॉग में नहीं आए हैं। पहली बार सासू माँ के मायके वाले हमारे ब्लॉग में आएंगे, तो जहाँ तक हो सकेगा वहाँ पे मैं मिलाऊँगी। भाई अब वहाँ पे तो मैं दुल्हन रहूँगी, इतना ज़्यादा मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगी हर एक चीज़ें। हाँ, अपने तरफ से भी ट्राई करूँगी कि अच्छे से रिकॉर्ड कर लूँ, और देखूँगी अगर कोई रहेगा उससे भी रिकॉर्ड करवा लूँगी। तो बस अब हम जा रहे हैं रेडी। तो यहाँ पर मैंने बैंगल्स वगैरह पहन लिया, और इस बार मैंने अपने गोल्ड का झुमका पहना। तो अब भी चल रहे हैं बस रेडी होने, मम्मी भी रेडी हो रही हैं। जहाँ तक है हम 11:30-12 तक निकल जाएंगे, तो सब कुछ रेडी हो गया। बस बच्चे नहा लें, उनको रेडी कर दूँ, तब इसके बाद मैं रेडी होती हूँ। यहाँ पे हो चुकी हूँ रेडी। तो गाइस यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी, बस सब लोग तैयार हो गए हैं। बच्चे देखो अभी नॉर्मल कपड़े पहने, बाद में इनको हम चेंज करेंगे। उनका कपड़ा हमने ले लिया इधर, और ये देखो ये महाराज भी आ गए हैं, लेटे हैं। तो बस थोड़ी देर में अब हम निकलेंगे ही। आनिक बनाना खा रहा है, ये आनिक सुबह से कुछ खाया नहीं था ना। चलो दिखा दो, मम्मी भी रेडी। ये कहाँ गए? सब लोग रेडी, मम्मी को भी दिखाती हूँ। अब बस थोड़ी देर में हम लोग निकल जाएंगे। मामा है अभी। हम लोग तब कैसे जाएंगे? हम लोग भी अब निकल रहे, एक गाड़ी गई, अब हमारी दूसरी गाड़ी पीछे निकलेगी, तो जिसमें मैं ये और आरने, क्योंकि हम दोनों जन दरवाजा चेक कर ले भाई। बस निकल चुके हैं हम लोग भी अपनी मंजिल की तरफ। कैसे लग रही हूँ मैं ये जरूर बताना हम लोग। तो सोची थी मम्मी को आपको दिखाऊंगी, मम्मी तो लेकिन रेडी होके निकल गई पहले ही, तो आप लोग को दिखा भी नहीं भाई। कोई नहीं, दिखाती हूँ बाद में। तो हम लोग दूसरी गाड़ी में बैठते, लोग एक गाड़ी में बैठ के निकल गए, मौसी मौसा को पिक करेंगे, फिर वहाँ से निकल जाएंगे। जोर से चलाओ। क्यों, मामा पकड़ना है क्या? मामा भाग गए इधर गए। अभी आने का अपना कपड़ा चेंज करेगा, इतना हीरो बन जाएगा थोड़ी देर में। आने ना हीरो बन जाओगे आप। आने जब भी वीडियो स्टार्ट कर दो बस टंग दिखाता है। पापा तो हैं से डाउन हो गए, कितना मोह माया है। आप और है मामा को पकड़ना है, मामा को पकड़ना है, जल्दी जो जो से चलाओ। एक गाड़ी आगे रुकी, एक यहाँ। तो यहाँ ले रहे ककड़ी, क्योंकि हमें भाई भूख लग गई थी थोड़ी थोड़ी सी। आ गए पापा मम्मी मौसा मौसी सब। सो गाइज़ यहाँ पे मैं पहुँच चुकी थी हॉल में, और ये देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जिसको कुछ लोग को तो मैं जानती हूँ, कुछ लोग को नहीं जानती हूँ। जितने भी मतलब मम्मी के मायके की साइड के हैं उन लोग को ही बस जानते हैं, और कुछ लोग उसमें और भी न्यू थे जिसको मैं पहले नहीं देखी थी, तो नए देख रही थी तो नहीं पहचान रही थी, बट बाद में पहचान हुई। तो ये देखो ये है मामी, जो मौसी हमारे घर पर आती है ना, मम्मी की सिस्टर, वो देखो आगे बैठी है मौसी। ये लोग कलर की हाँ ब्लाउज़ उनका दिख रहा है, तो वो उनकी ये बीच वाली भाभी, और वो जिससे आगे बात करी वो उनकी बड़ी वाली भाभी, दिल्ली वाली मामी। जब हम दिल्ली और चंडीगढ़ गए थे तो ये मामी के घर पे गए थे, तो अगर आपने ब्लॉग देखा होगा तो आप पहचान गए होंगे। तो यहाँ पे देखो भाई ब्राइड आ चुकी थी, तो ये है मामा की लड़की रुचि, जिसकी इंगेजमेंट थी। तो काफ़ी मज़ा आया, इन्जॉय किया सब लोग। और मैं सबसे अच्छा क्या लगा पता है, इतने दिनों के बाद सबसे मिले, बहुत लोग से तो मतलब पहली बार मैं मिली, तो वो चीज़ भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे। तो अब इसके बाद यहाँ पे इंगेजमेंट का जो भी कुछ था वो सब प्रोग्राम होने जा रहा था, हम थोड़ा पीछे थे तो वहाँ से मैं रिकॉर्ड की, क्योंकि उठ के आगे नहीं गई, क्योंकि पीछे सब मामा लोग बैठे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था बार बार उठ के रिकॉर्ड करो। मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि अगर हो पाएगा मेरे से जितना तक वहाँ तक मैं ट्राई करूँगी रिकॉर्ड करूँगी, और मैं वहाँ पर किसी को फ़ोन दे भी नहीं सकती थी किससे मैं रिकॉर्ड
रिकॉर्ड करवाती। तो ये हैं रुचि की, आई थिंक जेठानी जी जो आरती वारती उतार रही थी, और वे और दूसरी वो कौन है क्या है, उनके रिलेटिव ही कोई है, मैं मुझे नहीं पता। तो वो सब लोग अपना जो भी कुछ रिचुअल्स होते वो कर रहे थे यहाँ पे। तो चलिए अभी फ़िलहाल लगा देती हूँ थोड़ा सा म्यूज़िक। ये देखो मौसी जी तो एकदम बिजी है अपने भाभी श्री के साथ बात करने में। तो आप लोग वीडियो थोड़ा इन्जॉय करिए, फिर आगे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ कौन क्या कैसे है। से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। तो अपने मेरी सासू माँ को पहचाने गए होंगी, ये हैं मौसी जी जिसकी भतीजी की इंगेजमेंट है, और उधर दोनों मामी देवरानी जेठानी, और इधर जो आ रही हैं वो भी मामी ही हैं। और देखो मौसी को मैंने बोला हाय करिए, ये मामी जो कि मेरे पति देव के फेवरेट मामा मामी हैं, दिल्ली वाले मामा मामी, बहुत ही अच्छे हैं बाय नेचर हर एक चीज़ में। और ये मौसी इन्हीं की भाभी हैं, वो जो मामी दिल्ली वाली मामी मैं बताई, और ये भी मौसी की ही भाभी हैं। एक्चुअली मौसी के चार भाई हैं, जो कि दो मामी यहाँ पर आई थी, दो मामी नहीं आई थी मामा मामी। तो बस यहाँ पे रिंग सेरेमनी हो रहा था, मैंने पीछे से थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि बहुत सारे लोग थे। फिर से मैं अगेन वही चीज़ आपको बोल रही हूँ, मैं आगे जाके बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो मुझे पहले से देखते हैं, वहाँ पे कुछ लोग आके बोले कि आपकी वीडियो हम देखते हैं, आपका रील्स देखते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। और ये है मामा की लड़की स्वाति, ये भी बहुत अच्छी है, काफ़ी स्वीट है। तो चलिए आगे आगे और भी लोग से आपको मिलवाते हैं। और जो लहंगे में थी ना, ये ओपन हेयर की है, ये भी आई मेरे से पूछी, काफ़ी टाइम से मेरे को देख रही थी, इसके बाद बोली आप रील्स बनाते हो, मैंने आपको देखा है। मैं बोली थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा लोग अगर ऐसा आके बोलते हैं। तो ये देखो ये भाई बहन भाभियाँ सब फ़ोटो क्लिक कर रही थी, इसमें इनके दो भाई अभी नहीं थे, जो कि एक मामा गाँव में हैं और एक मामा दिल्ली में है, उनका मतलब कुछ काम था, वो लोग नहीं आ पाए। तो यहाँ पर मामी जी हमारी फ़ोटो क्लिक करी, हमारी मामी भी काफ़ी मतलब शौकीन है ये सब चीज़ों में, रील्स बनाने में, वीडियोस में, हर एक चीज़ में। तो मामी यहाँ पे अपना रील्स बना रही थी, मैंने सोचा चलो ये इतने प्यारे से मोमेंट को क्यों ना कैप्चर कर लिया जाए। तो बहुत ही अच्छी फैमिली है, बहुत ही हंसमुख फैमिली है, बहुत ही अच्छा लगता है जब ये लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। तो मैंने सोचा इस मोमेंट को मैं बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करूँगी, ज़रूर कैप्चर करूँगी ताकि जो भी लोग देखें उनको याद रहे ये चीज़ और अच्छा लगे। तो मामी देखिए फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी, सब लोग खूब इंजॉय कर रहे थे, मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और अच्छा हुआ कि मैं वहाँ पे गई, सबसे मिली। तो इसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे खाना खाने के लिए, तो मम्मी पहले खा चुकी थी, बाद में मामा सॉरी मामी दोनों मामियाँ मौसी मैं
खा रही थी। और मौसी के साथ भी मेरी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मौसी से मैं मिलती रहती हूँ तो उनके साथ भी मेरा बहुत मतलब अच्छा बातचीत होता है, बेझिझक वाली बातचीतें होती हैं तो अच्छा लगता है मौसी उसी के साथ भी। तो यहाँ पे स्वाति ही रिकॉर्ड कर रही थी, मैंने बोला चलो सब कुछ हो गया तो थोड़ा सा ये भी क्यों ना रिकॉर्ड कर लिया जाए। इसके बाद हम सब लोग निकल गए थे और यहाँ से हमें घर पहुँचने में भाई बहुत टाइम लगता क्योंकि इतनी ट्रैफिक थी ना। तो एक गाड़ी में तो जैसे हम आए थे हस्बैंड वाइफ एक साथ थे, तो बाद में मामी मामा स्वाति एक गाड़ी में हो गए ये रेड्स में, बाद में हम लोग भाई के साथ स्कॉर्पियो में हो गए थे क्योंकि नेक्स्ट उसी रात को मुझे निकलना था मेरे यहाँ पे भी। तो अच्छा हुआ था मैं उस गाड़ी में हो गई थी, क्योंकि नहीं तो ये लोग तो काफ़ी लेट आए, मामा लोग डिनर करके काफ़ी लेट हो गया था, इनको घर पहुँचते पहुँचते 12:30 बज गए थे और मैं मौसी मौसा जी पापा मम्मी हम सब एक साथ एक कार में हो गए थे। तो यहाँ पे हमारे बड़े वाले मामा जी भी हैं आगे, उनको भी आप देख लेना। गाइस आपने ब्लॉग देख ही लिया हमारा, मतलब जो हम एंगेजमेंट में गए थे। एक्चुअली जो मैं लास्ट में आपको ना बताई ना बड़े मामा का, उनका तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई थी। लास्ट में जब हम निकल रहे थे तो एक जगह पे खड़े थे, बस थोड़ा सा मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड कर लिया था और देख भी नहीं रहे थे। तो वो थे हमारे बड़े मामा, मतलब मम्मी के हमारे सगे भाई प्रधान मामा, तो उनका भी थोड़ा सा मैंने दिखा दिया, आप लोग भी देख लेना। तो आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताना ज़रूर, और जो नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है ना बहुत ही सुपर डुपर ब्लॉग होगा, आई होप आपको अच्छा लगेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 ये वाली वीडियो अगर अच्छी लग रही है आप लोग को प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लेना, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर देना और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन रहेगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे इतने इंटरेस्टेड ब्लॉग आने वाले हैं, एक एक से गुड न्यूज़ रिवील होने वाले हैं, तो आपको आई होप अच्छा ही लगेगा। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।